ये सड़क बिहार की तकदीर जैसी है, टूटी फूटी, चौपट और दिशाहीन। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे खोदकर यूं ही छोड़ दिया गया है। न तो इनकी घेराबंदी की गई है और न ही वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है। वैसे वैकल्पिक रास्ता बनाते भी कैसे, प्रशासन तो सड़क तक दुरुस्त नहीं कर पाया। टूटी फूटी सड़कों पर गड्ढे इतने हैं कि मोटर गाड़ियों का चलना भी मुश्किल है। सड़क पर पानी जमा होने की वजह से इन पर पैदल चलने पर भी आफत है। ऐसे में इन बच्चों के पास गड्ढों के करीब से गुजरने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस क्रम में अगर इनका बैलेंस बिगड़ा और ये गिर गए तो इन नन्हे बच्चों को काफी चोट आने का खतरा है। ये सब कुछ हुआ है एक स्कूल के पास, लेकिन इसकी परवाह है भी किसे? न तो सरकार को कोई मतलब है, न प्रशासन को फुर्सत है। यहाँ तक कि इन बच्चों के माता पिता जिसे वोट करते हैं उससे काम का हिसाब लेना भी जरूरी नहीं समझते। शिवहर के चमनपुर पंचायत के गढ़वा गांव के लोगों ने हालात के साथ समझौता कर लिया है। न तो वोटर होने के नाते इन्हें अपनी ताकत का अंदाजा है, न ही इंसान होने के नाते अपनी जरूरतों की चिंता है। इस गांव के विकास के लिए अब व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि जब तक ऐसा होगा नहीं यहाँ के लोगों की तकदीर और इस गांव की तस्वीर बदलेगी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसुराज टीवी।